कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जहां पर मैं आपको सिखा रहा हूं प्रेजेंट सिंपल टेंस में WH वर्ड को इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कैसे WH वर्ड का इस्तेमाल आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना है स्ट्रक्चर। सबसे पहले समझेंगे स्ट्रक्चर। तो चलिए स्ट्रक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर्स को बनाया जाता है। तो सबसे पहले शुरुआत आपको WH वर्ड से करनी है, फिर डूडल्स लगानी और फिर सब्जेक्ट। तो यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो डूडल्स का सिलेक्शन होगा ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, WH वर्ड के अकॉर्डिंग मत कर दीजिएगा। फिर सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब की बेस फॉर्म लिखनी है, फिर अपडेट आएगा और फिर लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। आगे बढ़े नेगेटिव के लिए कैसे करेंगे आप, WH वर्ड से शुरुआत करिए, फिर डूडल्स लगाइए, फिर सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। फिर आएगा नॉट और फिर आएगा वर्ब की बेस फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज और जो यहां पर सीखने वाली बात है कि आप डू डज को नॉट के साथ लिख सकते हैं, यानी कि नॉट और डू डज को शॉर्ट कर दीजिए, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं, यानी डोंट और डजंट। बोलचाल की भाषा में आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप डोंट और डजंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी याद रखने वाली बात है कि जब आप डू डज लगा देंगे तो कभी भी यहां पर एस और ईएस वाली वर्ब फॉर्म नहीं इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ वी वन इस्तेमाल होगा। तो चलिए एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आप क्या पढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, वॉट। आप सबसे पहले WH वर्ड को पकड़ करके बाहर लाइए, आप क्या पढ़ते हैं, आपने शुरुआत की वॉट, वॉट के बाद सब्जेक्ट चूज करिए कि सब्जेक्ट जनरली हमको शुरू में मिल जाता है, तो यू। अब यू के अकॉर्डिंग डू होगा या डज होगा, ये पहले की वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है, तो वहां से जाइए और समझिए। तो यू के साथ लगता है डू, तो बन गया हमारा वॉट डू यू। अब बचा कौन सा सेंटेंस है, पढ़ना, तो पढ़ना को लिखते हैं रीड। आप चाहे तो स्टडी लिख सकते हैं, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। न्यूज़पेपर को हम रीड करते हैं लेकिन बुक को हम स्टडी करते हैं, कोई सब्जेक्ट को हम स्टडी करते हैं। वह कहां जाती है, अब कहां को WH वर्ड को पकड़ के लेके आइए पहले, तो इसके लिए हम लिखेंगे वेयर। अब हमें डूडल्स लगाना है, तो सब्जेक्ट देखिए क्या है, वह। वह के लिए आप इस्तेमाल करेंगे शी, तो शी के लिए आप लगाइएगा डज, वेयर डज शी। अब जाना को इंग्लिश में कहते हैं गो, तो बस गो लिखना है, गोज नहीं लिखना है। ये ना सोचे कि सर श्री के साथ तो गोज आता है, वो वाला काम हम डज में कर चुके हैं। मैं कैसा या कैसे पढ़ाता हूं, आप कैसा और कैसे के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हाउ। आई के साथ डू का इस्तेमाल होता है, तो आप लिखेंगे हाउ डू आई। पढ़ाना को इंग्लिश में कहते हैं टीच, बन गया हाउ डू आई टीच। वे लोग यहां कब आते हैं, कब को इंग्लिश में कहते हैं वेन। सब्जेक्ट हमारा वे लोग है, तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डू, व्हेन डू दे। आना, आना को कहते हैं कम। फिर आएंगे यहां, तो यहां को कहते हैं हियर, व्हेन डू दे कम हियर, वे लोग यहां कब आते हैं। राधा आपसे क्यों मिलती है, क्यों को इंग्लिश में कहते हैं व्हाई। अब राधा हमारा सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आप लगाएंगे डज, व्हाई डज राधा। मिलना को इंग्लिश में कहते हैं मीट। अब बचा आपसे, तो इसके लिए आप लिखेंगे यू, व्हेन डज, सॉरी व्हाई डज राधा मीट यू, राधा आपसे क्यों मिलती है, वह किससे बात करती है, किससे लिए हम WH वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हूं। अगेन वह है तो हम इसके लिए शी लिखेंगे, सो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डज, हूम डज शी। मिलना के लिए हम यू, सॉरी बात करना है, तो बात करना के लिए हम इस्तेमाल करेंगे टॉक। आप चाहें तो एक चीज इसमें मैंने अभी मिस किया लिखते समय, बट आप चाहें तो इसको एड अप कर सकते हैं टू, होम डज शी टॉक टू, क्योंकि टॉक जो है अपने साथ टू प्रेपोजिशन लेकर के आता है, इसलिए हमने टू को कंप्लीट कर दिया। क्यों ऐसा होता है कि जब आप इसका जवाब देंगे तो आप इसको जवाब में क्या लिखेंगे, शी टॉक्स टू रोहन, वह रोहन से बात करती है। आई होप पॉजिटिव में आपने WH वर्ड का इस्तेमाल करना सीखा। अब आते हैं नेगेटिव में, कैसे WH वर्ड को इस्तेमाल करेंगे। तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते हो, क्लास ले रहे हो इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हो, आप इसे कहेंगे व्हाई डू यू नॉट, व्हाई डू यू नॉट। फिर आएगा बोलना, इसके लिए आप लिखेंगे स्पीक,
स्पीक, अंग्रेजी लिखेंगे फिर क्या आएगा इंग्लिश. Why do you not speak English? आप इंग्लिश क्यों नहीं बोलते हैं? वे लोग कहां नहीं जाते हैं? कहां के लिए हम लिखेंगे where. कहां नहीं जाते तो लिखेंगे where. अब वे लोग के लिए लगाएंगे आप do. Where do they? फिर से लगाएंगे नहीं के लिए not. Where do they not? जाना को लिखते हैं go. ये हो गया where do they not go. वे लोग कहां नहीं जाते हैं. राधा क्या नहीं पढ़ाती है? What does राधा. ये चीजें तो फटाफट आप लोग याद करिए कि किसके साथ do लगेगा किसके साथ does लगेगा. What does राधा not teach. आप इसको चाहे आप लिख सकते हैं What doesn't राधा teach. वह किसको नहीं पढ़ाती है. इसको के लिए हम इस्तेमाल करेंगे whom. अगेन वह है तो इसके लिए आप लिखेंगे does she. Whom does she not teach. Whom does she not teach. किसकी बेटी यहां नहीं पढ़ती है तो किसकी बेटी के लिए आप इस्तेमाल करेंगे whose daughter. Whose daughter. किसकी बेटी whose daughter यहां नहीं पढ़ती है. Does not. अब एक चीज समझेंगे कि आपको लगा सर इसमें सब्जेक्ट कहां गया. तो बेसिकली हुज डॉटर में ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहां पर ये जो सब्जेक्ट है ना इसको आपको हटाना पड़ेगा. तो हुज डॉटर डज नॉट स्टडी हियर. हुज डॉटर डज नॉट स्टडी हियर. आपकी मां आपसे प्यार क्यों नहीं करती है तो क्यों डब्ल्यूएच वर्ड है हम इसके इस्तेमाल करेंगे वाई. आपकी मां चूंकि सिंगुलर होगा तो आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे डज. ध्यान रखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाते हैं और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाते हैं. तो व्हाई डज योर मदर नॉट लव यू. आई होप डब्ल्यू एच वर्ड का इस्तेमाल करना आज आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस में सीखा है. हट जा रहा हूं आप स्क्रीनशॉट लें बट मैं बार बार कहता हूं कि आप इसको नोट डाउन करना शुरू करिए क्योंकि नोट डाउन करेंगे बेहतर तरीके से समझ में आएगा. तो आई होप पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया. किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में लिखें जो भी दिक्कतें हो आपकी. लाइक अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि सर कैसे सीखे समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए. ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे आप और आपके चाहने वाले दोनों इंग्लिश साथ साथ सीख सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलेंगे हमें नए वीडियो में.